हेलो दोस्तों, मैं अशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना ऑनलाइन चालान कैसे भर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार हमसे गलती हो जाती है, हमारा चालान कट जाता है, कई बार हमें मैसेज आता है कि आपका चालान कटा है। तो उस चालान को आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, बिल्कुल ईजी स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सिर्फ 4 से 5 मिनट की ये वीडियो होगी, इससे आप अपना चालान आसानी से भर सकते हैं, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या फिर अपने पीसी से आप चालान भर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपका भी चालान हुआ है तो ऑनलाइन जुर्माना चुकाने का क्या तरीका है? तो दोस्तों, क्या आपका भी वाहन या गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से चालान अगर हुआ है, हो सकता है कि आपने जानबूझकर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया हो लेकिन फिर भी आपका चालान हो सकता है। तो दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए जानकारी दी है कि अब आप ई चालान के जरिए घर बैठे चालान की जो रकम है उसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रैफिक पुलिस के किसी भी ऑफिस में जाने की या कार्यालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप SMS या फिर ईमेल पर आए चालान को डिलीट कर चुके हैं तब भी आप वेबसाइट की हेल्प से चालान की जो रकम है, राशि है, वो जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व NIC की तरफ से ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा है। इसके ज़रिए आप घर बैठे अपनी गाड़ी चालान का भुगतान आप कर सकते हैं। जुर्माना भरने के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। दोस्तों, वेबसाइट है echalan.parivahan.gov.in। ये वेबसाइट दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसका echalan.parivahan.gov.in वेबसाइट का, जिस पे जाके आप चालान भर सकते हैं। तो मैं दोस्तों पूरा प्रोसीजर इसका बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है echalan.parivahan.gov.in। इसके बाद आपको जो है चेक चालान स्टेटस टैब जो रहेगा आपके सामने, चेक चालान स्टेटस, उस टैब पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस टैब पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इस पेज पर गाड़ी नंबर, चालान नंबर व फिर DL नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने रहेगा। तो आप गाड़ी नंबर या चालान नंबर में से किसी एक को चुनकर आप अपने चालान की पूरी डिटेल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का चालान नहीं हुआ है तो आपको इस पेज पर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी का कितनी बार चालान किया गया है। तो दोस्तों, गाड़ी नंबर या चालान नंबर डालने के बाद आपको अपनी गाड़ी के लिए जारी सभी चालान यहाँ दिखेंगे। इसके बाद आप चालान के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और चालान का भुगतान करने के लिए अब आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। दोस्तों, ये पे नाउ का ऑप्शन जो नीचे देखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का जो मोड है वो चुनना है कि कैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आप चुन सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, तो एक बार पेमेंट हो जाने पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज आएगा और इसके साथ ही आपको ट्रांजेक्शन ID भी मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ से आपका चालान भर जाता है। ट्रांजेक्शन ID आप रख सकते हैं अपने फ्यूचर के हिसाब से, इन दोनों चीज़ों का आप संभाल कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है जिससे आप चालान घर बैठे बैठे भर सकते हैं, अपनी व्हीकल का चालान आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, चालान से भरने से रिलेटेड कुछ और डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो लाइक व शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी और वीडियो आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।